ड्राइवर्सिफिकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए भी हमारे एग्री इन्वेस्टर्स को भी आगे आना चाहिए। जैसे भारत में किस तरह की मशीनें चाहिए इस बारे में इंपोर्टर्स को पता होता है, वो जानते हैं कि किस तरह की चीजें चलेगी। इसी तरह से हमारे यहां फसलों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी तिलहन और दलहन का ही उदाहरण ले, देश में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे में हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड को इसमें आगे आना चाहिए। ये आपके लिए एक एश्योर्ड मार्केट है, विदेश से लाने की क्या जरूरत है। आप किसानों से पहले से कह सकते हैं कि हम इतना फसल आपसे लेंगे, अब तो इंश्योरेंस की व्यवस्था है, तो इंश्योरेंस के कारण सुरक्षा तो मिल ही रही है। भारत की फूड रिक्वायरमेंट की स्टडी हो और जिन चीजों की आवश्यकता है उसे भारत में ही प्रोड्यूस करने की दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है। किसान ड्रोन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उपयोग इसी बदलाव का हिस्सा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में देश में 700 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप्स तैयार हुए हैं। साथियों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर बीते 7 सालों में काफी काम हुआ है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोसेस फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। इसके लिए किसान संपदा योजना के साथ ही पीएलआई स्कीम महत्वपूर्ण है। इसमें वैल्यू चेन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही भारत ने यूएई गल्फ कंट्रीज के साथ, अबू धाबी के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथियों, एग्री रेसिड्यू जिसे पराली भी कहते हैं उसका मैनेजमेंट किया जाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं जिससे कार्बन एमिशन भी कम होगा और किसानों को इनकम भी होगी। और ये हम सबको जो वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजी के दिमाग के लोग हैं, कृषि जगत का एक भी वेस्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए, हर वेस्ट का वेल्थ में कन्वर्जन होना चाहिए। हमें बारीकी से सोचना चाहिए, इसके लिए नई नई चीजें लानी चाहिए। पराली के मैनेजमेंट के लेकर के हम जो भी समाधान कर रहे हैं वो किसानों के उनके लिए भी उसको स्वीकार करना बड़ा आसान हो जाएगा। इस पर बातचीत होनी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग वेस्ट हमारे यहां किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। अब उसको वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर देंगे तो किसान भी सक्रिय रूप से हमारा साथी बनकर के भागीदार बन जाएगा। ऐसे में लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की व्यवस्था को बढ़ावा, उसे विस्तार देते रहना बहुत जरूरी है। सरकार इसमें काफी कुछ कर रही है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाना होगा। और मैं बैंकिंग सेक्टर को भी कहूंगा, बैंकिंग सेक्टर भी हमारे प्रायोरिटी लेंडिंग में इन सारी चीजों को कैसे बल दे, टारगेट कैसे तय करें, उसका मॉनिटरिंग कैसे करें। अगर हम बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में अगर धन मुहैया कराएंगे तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में आएंगे। मैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में मौजूदा प्राइवेट प्लेयर से कहना कि इसे भी वो अपनी प्राथमिकता से रखें। साथियों, एग्रीकल्चर में इनोवेशन और पैकेजिंग दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आज दुनिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है तो पैकेजिंग और ब्रांडिंग इसका बहुत महत्व है। फलों की पैकेजिंग में
हमारे कॉरपोरेट हाउसेस को, एग्री स्टार्टअप्स को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए। इसमें भी जो एग्री वेस्ट होता है उससे बेस्ट पैकेजिंग कैसे की जा सकती है उस और उन्हें ध्यान देना चाहिए। वो इसमें किसानों की मदद करें और इस दिशा में अपनी योजनाएं बनाएं। भारत में फूड प्रोसेसिंग और इथेनॉल में निवेश की बहुत संभावनाएं बन रही हैं। सरकार इथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। एश्योर मार्केट है, 2014 से पहले जहां 1-2% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी वहीं अब ये 8% आसपास पहुंच चुकी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाने के लिए सरकार काफी इंसेंटिव दे रही है। इस क्षेत्र में भी हमारे व्यापारी जगत आगे आए, हमारे बिजनेस हाउसेस आगे आए। एक विषय नेचुरल जूसेस का भी है, इसकी पैकेजिंग का बहुत महत्व है। ऐसी पैकेजिंग जिससे उस प्रोडक्ट की आयु लंबी हो, वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चले, इस और भी काम किया जाने की आवश्यकता, क्योंकि हमारे यहां इतनी विविधता वाले फल होते हैं और भारत में नेचुरल जूसेस, हमारे जो फलों के रस है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटीज है। हमें बाहर की नकल करने के बजाय भारत में जो नेचुरल जूसेस है उसे प्रमोट करना चाहिए, पॉपुलर करना चाहिए। साथियों, एक और विषय है कोऑपरेटिव सेक्टर का। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइब्रेंट है, चाहे वो चीनी मिले हो, खाद कारखाने हो, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है। हमारी कोऑपरेटिव में एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदले। साथियों, हमारे जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आगे आए और एग्री स्टार्टअप को, फार्म प्रोड्यूस और नेशनल एफपीओस को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद करें। हमारे देश के छोटे किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम करने में एक बड़ी भूमिका भी आप सभी निभा सकते हैं। जैसे हमारा छोटा किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण नहीं खरीद सकता, इसका एक समाधान है, छोटा किसान कहां से लाएगा? और उसको आज लेबरर भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? पुलिंग का। हमारे कॉरपोरेट जगत को ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसमें खेती से जुड़े उपकरणों को किराए पर देने की सुविधा हो। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता बनाने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। देश भर के किसानों को सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान खेतों में कैसे सोलर पावर पैदा करें, इस दिशा में भी हमने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। उसी प्रकार से मेड़ पर पेड़, हमारे जो खेत की सीमा होती है, आज हम टिम्बर इंपोर्ट करते हैं। अगर हम हमारे किसानों को साइंटिफिक तरीके से अपनी मेट पर इस प्रकार के टिम्बर के लिए प्रेरित करें तो 10-20 साल के बाद उसकी आय का एक नया साधन वो बन जाएगा। सरकार उसमें कानूनी आवश्यक जो भी बदलाव है वो भी करे। साथियों, किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है आपके सुझावों से सरकार के प्रयासों को और हमारा किसान जो सपने देख करके कुछ करना चाहता है उन सबको बल मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि आज हम कृषि के एक नेक्स्ट जनरेशन पर चर्चा करना चाहते हैं।
परंपरागत पद्धतियों से बाहर आने के लिए सोचना चाहते हैं। बजट के लाइट में, बजट में जिन चीजों का प्रावधान किया गया है उसी के लाइट में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। और हमारी आपसे मेरा आग्रह यही है, इस सेमिनार में निकलना चाहिए, 1 अप्रैल से ही नया बजट जिस दिन लागू होगा उसी दिन हम चीजों को रोल आउट कर दें, काम शुरू कर दें। अभी हमारे पास पूरा मार्च महीना है, बजट ऑलरेडी संसद में रख दिया गया है, अब वो बजट भी हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में हम समय न खराब करते हुए जून जुलाई में हमारा किसान खेती का नया वर्ष प्रारंभ करें, उसके पहले इस मार्च महीने में सारी तैयारी कर लें, अप्रैल में हम किसानों तक चीजों को पहुंचाने का प्लान करें, उसमें हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड आए, हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड आए, हमारे स्टार्टअप आए, हमारे टेक्नोलॉजी के लोग आए। हम भारत की आवश्यकताओं को, कृषि प्रधान देश है, हमें एक तस्सू भर चीज बाहर से नहीं लानी चाहिए, देश की आवश्यकताओं के अनुसार हमें तैयार करना चाहिए। और मुझे विश्वास है अगर हम हमारे किसानों को, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को इन सारे कामों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के आगे बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थ में बजट ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहेगा, बजट जीवन परिवर्तन, कृषि परिवर्तन, ग्राम जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सेमिनार, ये वेबिनार बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, सारे एक्शनेबल पॉइंट के साथ होना चाहिए और तभी जाकर के हम परिणाम ला सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े देश भर के लोग आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, इसके कारण डिपार्टमेंट को भी बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपकी तरफ से मिलेगा, सीमलेसली चीजों को लागू करने का रास्ता निकलेगा और हम तेजी से साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।